और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को बीएसपी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दानिश अली का यह निलंबन किया है। अमरोहा से लोकसभा सांसद है दानिश अली और उन्हें बीएसपी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से दानिश अली की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इस वजह से दानिश अली को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या खबर आ रही है और आखिर कौन सा ऐसा मसला है जिसके चलते बीएसपी ने ऐसा कदम उठाया है? देखिए, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है उसकी तरफ से बाकायदा लिखित में दानिश अली जो बीएसपी के लोकसभा सांसद है अमरोहा से, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते फिलहाल पार्टी से निलंबित किया गया है। हालांकि उसके पीछे एक बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी तरफ से भी दानिश अली को एक पत्र भेजा गया है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कई बार पार्टी की तरफ से दानिश अली को जो पार्टी की जो विचारधारा है उसके विरुद्ध जाकर कोई बयानबाजी न करने के लिए हिदायत दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके लगातार वो पार्टी के की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उससे इतर अपनी अलग बयान लेकर सबके सामने जा रहे थे, लिहाजा पार्टी ने उनको फिलहाल पार्टी से निलंबित किया है। एक तर्क ये भी दिया गया है कि 2018 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके दानिश अली को चुनाव लड़ाया गया था और उसके बाद देवगौड़ा जी की सिफारिश पर इनको साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसके टिकट उसमें उनको दिया गया और उसके बाद भी लगातार उनको लगातार पार्टी की तरफ से ये हिदायत दी गई पार्टी की तरफ से कि वो जो पार्टी की नीतियां और निर्देश है उसके हिसाब से चलेंगे, बेवजह कोई बयानबाजी नहीं चलेंगे। लेकिन बावजूद उसके दानिश अली की तरफ से बयानबाजियां लगातार बाहर आती रही और उसी के चलते फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की तरफ से उनको पार्टी से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और एक बड़ा पत्र जो सतीश चंद्र मिश्रा है उनकी तरफ से दानिश अली को भेजा भी गया है और उनको पूरी बात उसको विस्तृत तौर पर बताई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमरोहा से लोकसभा सांसद को बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर दिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी ने यह फैसला लिया है।